नमस्ते जी, नमस्ते 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 नमस्ते। चलो काम की बात पे आते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि आप कितने पैसे कमाते हैं? बस जितना आपका बेटा 2 महीने में कमाता है उतना मेरा कुत्ता 2 दिन का खाना खाता है। है घर, है पैसा, है गाड़ी, आप 2 जोड़ों में लड़का भेजो, हुई बात पक्की हमारी। सुसर जी ठीक है। हेलो, हाय आदाब। इंडिया से अगर आपके लिए कोई रिश्ता आए तो आप हाँ कर देंगी? हाँ, रिश्ता तो आए, मैं कहती हूँ आए। को इंडिया से कोई रिश्ता विश्ता आए तो कर लेंगी शादी? आई एम रेडी। मुझे वैसे भी पिया के घर जाना है। मुझे इंडिया से एज इन कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उसकी बड़ी सही जगह पसंद है, वहाँ की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अरे जनाब, हमारे साथ टिकटॉकर किरण खान मौजूद है, इनसे पूछती है। ऑफ कोर्स मुझे शाहरुख बहुत ज्यादा पसंद है, सो अगर काश शाहरुख के साथ हो जाती, बट वेल शाहरुख जैसा ही कोई हो। अच्छा सा तो कर लेंगी? अच्छा सा आएगा तो जरूर करूंगी। जरूर कर लेंगी? और अच्छा जब जी हाँ कर लूंगी। कर लेंगी जी, बगैर किसी शर्ट के? शर्ट होगी एक। वो क्या? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। ये तो सब आप जानते भी हैं और मानते भी हैं कि पाकिस्तान में लड़कियां सुंदर काफी ज्यादा, और हमको तो ज्यादा सुंदर लगती है। कहते हैं ना कि दूर के दौल ठुराने होते हैं, हमसे दूर है तो हमको ज्यादा सुंदर लगती है, और पाकिस्तानियों को इधर इंडियन लड़कियां सुंदर लगती है। तो इन पाकिस्तानी सुंदरियों के भारत के लोंडों के प्रति क्या रिएक्शन है, तो इसका लेते हैं आज हम आनंद। तो इस आनंद का मजा आप भी लीजिए, मैं भी लेता हूँ, और मैं मिलूंगा आपको लास्ट में। वेल जनाब, आज हम यही क्वेश्चन लेके आए हैं। हम अपनी पाकिस्तानी आवाम से ये पूछेंगे कि अगर उनको इंडिया में किसी से शादी करने का मौका मिले तो क्या वो करेंगे, और अगर करेंगे तो कहाँ पर रहना पसंद करेंगे। तो आइए उनसे पूछते हैं। वजीहा। अच्छा वजीहा, क्या करती हो? कुछ भी नहीं, वेल रही हूँ, बिल्कुल कुछ भी नहीं करती। वेली लड़कियाँ घर में बैठी हुई माओं को बिल्कुल पसंद नहीं आती है, तो रिश्ते विश्ते नहीं आ रहे हैं? रिश्ते आ रहे हैं, वेली तो पसंद आती है उनको। कामरी तो पसंद नहीं आती ना। दुरुस्त हो गया। तो आप के शादी के क्या प्लानिंग है? शादी का बड़ा शौक है, अभी रास्ते में यही बात करती, शादी तो बस जल्दी से कर लेनी है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इंडिया से अगर आपके लिए कोई रिश्ता आए तो आप हाँ कर देंगी? हाँ, रिश्ता तो आए, मैं कहती हूँ आए। कब आएगा? जब आएगा तो फिर हाँ भी कर देंगे। नहीं मतलब स्पेसिफिकली इंडिया से रिश्ता आ रहा है और आपने ब्याह के इंडिया जाना है, तो आपके आपको मंजूर है? नहीं, इंडिया वाले मुझे क्यों रिश्ता देंगे, वहाँ इंडिया की लड़कियाँ मर गई हैं? नहीं। मतलब मरी तो नहीं है, लेकिन आप खूबसूरत है ना, जरूरी थोड़ी है कि आपने इंडिया वालों ने इंडिया में शादी करनी है, पाकिस्तान वालों ने पाकिस्तान में करनी है। दूर दराज के इलाकों में भी तो शादियाँ हो जाती है ना, तो 2 मुल्कों में भी हो सकती है। हाँ मतलब आप चाहती है कि पीस आना चाहिए पाकिस्तान। मतलब ये हो सकता है कि हम वजीहा को भेज के वहाँ पे यू नो हम कहें कि ये अमन का निशान हम आपको भेज रहे हैं, अब जो है ना हमें दोनों तरफ शांति चाहिए। हाँ, अब बहुत अच्छा लड़का होगा, मुझे बहुत पसंद आएगा, मेरे घर वालों को पसंद आएगा, तो मैं कर लूंगी। इंडिया से क्या, चाइना से, अफगानिस्तान से, जहाँ से भी हो मैं कर लूंगी। इंडिया से कर लेंगी? हाँ बिल्कुल कर लूंगी। फिर आपको इंडिया जाना पड़ेगा, चली जाएंगी? हाँ चली जाऊंगी, इसमें क्या, कोई इशू ही नहीं है। इंडिया अच्छा है यार, विराट कोहली भी है वहाँ पे। लेकिन शादीशुदा है तो कोई बात, मैंने कौन सा गलत नजर से कहा, मैंने वैसे कहा विराट कोहली है वहाँ पे, मेरे तो भाइयों की तरह भाई। सर बाबा, अगर आपको इंडिया से कोई रिश्ता विश्ता आए तो कर लेंगे शादी? आई एम रेडी। मुझे वैसे भी पिया के घर जाना है। अच्छा, उस पिया के लिए कोई शर्त होनी चाहिए कि तब आप उसके घर जाएंगी या वैसे ही चली जाएंगी? खूबसूरत हो, वेल सेटल्ड हो, और मेरी तरह छिछोरा हो। छिछोरा प्लस छिछोरी, या तभी तो जोड़ी कमाल की बनेगी ना। दरअसल हो गया, मुझे ये बताइएगा कि शादी चले हो गई, छिछोरा भी मिल गया, वेल सेटल्ड भी मिल गया, अच्छा भी मिल गया, मजे का भी मिल गया, तो उसके बाद जब आप दोनों आपस में यू नो शादी वादी करके सेटल कहाँ पे होना चाहोगे, पाकिस्तान में या इंडिया में या किसी और तीसरी कंट्री को प्रेफर करोगे? यार आई वांट टू गो कोरिया। द BTS फैन। ओके, तो आप कोरिया जाएंगे? या जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। अच्छा चलो, इन केस तो हम इमेजिन कर लेते हैं कि आपका जो बंदा है वो कोरिया नहीं जाना चाहता है, अब आपको पाकिस्तान या इंडिया में से किसी एक जगह पे रहना, तो कहाँ रहेंगे? पाकिस्तान। घर जमाई बना लेंगे? यस। यार घर जमाई मतलब इज्जत नहीं है, माजी देखें क्या कह रही है, घर जमाई यार ना, तो बस छिचोरा छिचोरी मिलेंगे तो फिर घर जमाई जो माननी पड़ेगी ना बात।
छिछोरी को छिछोरे की भी तो माननी पड़ेगी ना। अभी इंडिया ये सीन होगा ना, अब एक ही जगह थोड़ी ना स्टे करेंगे, मतलब दोनों तरफ उछल के इधर उछल के उधर, बस ये गया। और कुछ कहना चाहोगी अपने होने वाले बंदे को? मिल तो जाए पहले यार, मतलब हो सकता है कुछ कह दो, हो सकता है आपके कहने पे मिल जाए, या इंतजार करें जल्दी आ जाओ बस बात होती है। जैसे आपने बताया अभी आप टॉपर हैं और घर वाले पढ़ाई को तो लेकर नहीं इतना चलते, तो असली कशवारी पे बात शायद करते हैं कि कहते हैं कि बस ठीक है। एक्चुअली आई एम लिविंग इन हॉस्टल सो मुझे कुछ भी नहीं आता है घर के, तो अपना भाई बंधु मिल गया यार हमें अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि अगर आपको इंडिया से हजरत पार से अगर आपको रिश्ते की ऑफर आए तो आप उसको कबूल कर लोगे? सबसे पहले तो रिलीजन, ठीक है, आई सी के अगर वो मुसलमान है तो तेरी क्या औकात है, और अंडरस्टैंडिंग अगर हो जाए तो देट विल बी फाइन फॉर मी। इंडिया क्या दूसरा प्लेनेट तो नहीं है ना, मार्स तो नहीं है ना, इंडिया ऑस्ट्रेलिया कनाडा कहीं से भी मुस्लिम हो बस चलेगा, दौड़ेगा। लेकिन हम स्पेसिफिकली इंडिया का पूछ रहे हैं भाई। मुझे इंडिया से एज इन कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उसकी बड़ी सारी जगह पसंद है, वहाँ की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, वहाँ पर अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं पढ़े लिखे लोगों के लिए, और वहाँ पर बस फ्रीडम नहीं है मुस्लिम्स वगैरह को, थोड़ा सा वो है। चल झूठा, तो अदरवाइज मुझे कोई इश्यू नहीं होगा, मैं रह लूंगी। शादी भी हो गई, अब मुझे ये बताइए रहेंगी कहाँ पे? स्पोज कर रही मेरी लाइफ को, रहूंगी कहाँ? मेरा वैसे प्लान है, मैंने ट्राई कर रही हूँ बाहर जाने के लिए हायर स्टडीज के लिए, तो उसको लेके जहाँ जहाँ मैं जाऊंगी उसको पीछे पीछे ऑस्ट्रेलिया मोस्ट प्रॉब्ली। हमारे पास एक इंतहाई खूबसूरत लड़की है जो कि बहुत पढ़ी लिखी भी है, अंग्रेजी भी अच्छी बोलती है, शुस्ता उर्दू से भी वाकिफ है, तो अगर आप देख रहे हैं आपको लड़की है भी बड़ी प्यारी, तो थैंक यू, तो अगर आपको ये लड़की पसंद आई है तो आप रब्ता कर सकते हैं वैसे, और हायर स्टडीज के लिए बाहर भी जाना चाह रही हैं आप भी साथ जा सकते हैं, तो मजे हैं भाई। फ्रेंड्स क्या था, मजेदार था, पर ये हस्बैंड ने बड़ा अच्छा पकड़ा कि ये जो लास्ट वाली थी ये धीरे धीरे पीछे ही जाई जा रही थी क्वेश्चन के, मैंने कहा पता नहीं कौन ब्लर कोई भाग के पीछे जा रहा है, मैंने तो कुछ देखा नहीं है, और मेरे सामने भी धीरे धीरे एक स्टेप पीछे फिर एक स्टेप, वो कह रही थी ना पीछे पीछे लड़के को ले जाऊंगी या कुछ उस टाइप से, मैंने कहा अभी से प्रैक्टिस करिए कि पीछे पीछे कैसे, उसको जान छुड़ानी थी बेसिकली, तो भागना था वहां से, हो गया बस, ज्यादा नहीं करना। पर मजेदार था जिस तरह से बोल रहे थे, और कईयों को तो ये था कि इकोनॉमी अच्छी है इंडिया की क्यों नहीं जाएंगे, लड़का अच्छा मिल गया तो क्यों नहीं जाएंगे, और वो तो महान थी कि भाई मैं वेली बैठी हुई हूँ, मैं तो कह रही हूँ जल्दी होए मेरी शादी मैंने कहा वहां तो लड़के देख रहे हैं, तो भैया बताओ भाई क्वेश्चन ये है कि क्या इंडियन बॉयज और पाकिस्तानी गर्ल से शादी करेंगे? कईयों को तो था कि भैया मैं तो पाकिस्तान में रहूं। इधर हो ये वीडियो खत्म, तो यार अब आते हैं अपने रिव्यू की तरफ, तो यार इन्होंने एक गलती के नंबर नहीं दिए ना इनके नंबर, या इंस्टाग्राम देते तो अगले भाई कॉन्टेक्ट भी बता सकते हैं जी, अगर इंडिया से कोई रिश्ता आता है अच्छे लड़के का तो पाकिस्तानी लड़कियां वहीं कर देंगी तकरीबन, क्योंकि उनको पता है कि क्यूट हैं प्यारे हैं अट्रैक्टिव हैं, 95% जाएंगी लाजमी, 90% तो पक्का कंफर्म है कि भाई वो करेंगी इंडियन बॉयज का भारत सहन सब कुछ एक जैसा है, खाना पीना चलना फिरना, तो उनको मसला कोई नहीं, कोई मसला नहीं है, और है भी पड़ोस में बिल्कुल, आने जाने में 7-8 घंटे ही लगते हैं इंडिया से पाकिस्तान बिल्कुल। लेकिन यार ये बात है कि मतलब कि इंडियन लड़कियां भी प्यारी हैं इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो मतलब समझा जाता है ज्यादा पाकिस्तान की प्यारी हैं, और बॉयज जो अट्रैक्टिव हैं वो ज्यादा इंडिया के समझे जाते हैं बिल्कुल इस दुनिया खूबसूरत जो जी। तो हमारी जो वीडियो है वो खत्म हो गया, हम लोग वीडियो में देख रहे थे कि आज लड़कियों से इंटरव्यू लिया जाता है, उनसे पूछा जा रहा था कि क्या आप भारत के लड़कों के साथ शादी करेंगी, क्या आपके लिए भारत से रिश्ता आए तो क्या आप उनसे शादी करेंगी, मतलब भारत के लड़के मुझे लगता है कि वो भी यहाँ है पाकिस्तान में, मुझे लगता है खूबसूरती है, देखिए खूबसूरती तो आपके सामने बैठी हुई है, इधर उधर क्या देखना कुछ ज्यादा हो गया। अच्छा तो हम बात ये कर रहे थे, तो क्या अगर भारत से वाकई में रिश्ता आए तो क्या पाकिस्तान लड़के एज अ मैं कहूँ तो मुझे लगता है हाँ, अगर कहीं पे अच्छा लड़का है और आपके लिए रिश्ता आता है तो मुझे लगता है कि आपको शादी कर लेनी चाहिए, और अमन तो इस चीज से अमन तो कभी भी कायम नहीं होने वाला, बाकी शादी तो हो सकती है। बाकी तुम्हारा क्या ख्याल है भारत से?
जी तो गाइज ये थी आज की वीडियो, तो देखी ही आपने वीडियो पाकिस्तानी, मतलब वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो थी मुझे लगी, क्योंकि मैंने इतनी ज्यादा वीडियोस देखी हुई है जिसमें यही सवाल लड़कियों से पूछा जाता है, तो सबके डिफरेंट जवाब होते हैं, लेकिन लोग उसमें होता है कि बोलिए नहीं हम नहीं जाएंगे, ये है वो है, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, मे बी इसमें भी बोला हो लेकिन उन्होंने एडिट कर दिया, लेकिन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी, मुझे मजा आया देख के पाकिस्तानी लड़कियां जो है वो इंडियन बॉयज से शादी करना चाहती है, मतलब लड़कियां पता क्या देखती हैं, एक जो कि उन्होंने बता दिया है कि पैसे वाला हो, एक दिल का अच्छा हो, के प्यार करने वाला, एक इंसान में इतनी सारी खूबियां हो जो कि हर इंसान में नहीं हो, मतलब कुछ लड़कियां खूबसूरत ना भी हो चलेगा लेकिन पैसे